पोस्टमार्टम गृह पर खड़े ये सभी लोग आतरस के रहने वाले 32 वर्षीय साजिद के रिश्तेदार और परिजन हैं, जिसकी एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जहां पोस्टमार्टम पर मौजूद परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि साजिद टेम्पो में सवार होकर अपने घर के लिए जा रहा था, तभी बिचपुरी के सामने आमने दो टेम्पो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें साजिद गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल होने के बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन अस्पताल में इलाज के दौरान साजिद ने दम तोड़ दिया, जबकि अन्य घायलों का इलाज चल रहा है। क्या नाम है भैया आपको? मेरा नाम रईस है। रईस जी, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई है, ये आतरस के लिए ऑटो में बैठ के जा रहे थे, तो ये तो जो ऑटो वाले से आपस में वहाँ जाके एक्सीडेंट हो गया, इसका बिचपन भी आता है। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ? ऑटो ऑटो में हुआ दोनों। ऑटो ऑटो में? तो क्या नाम है मृतक का? साजिद। क्या उम्र है? 32। कहाँ के रहने वाले थे? पीछे से तो छाता के रहने वाले हैं, लेकिन अब 15-16 साल से हाथरस में ही रह रहे हैं। हाथरस रह रहे हैं। क्या नाम है इनका? साजिद नाम। साजिद सनोफ चवन। क्या उम्र होगी? 32 है। तो ये इनकी मृत्यु हुई है, ये उपचार के दौरान हुई है या मौके पर ही हो गई? नहीं, हॉस्पिटल आने के बाद में। अच्छा, किस हॉस्पिटल में लेके आए थे आप? सरकारी में। सरकारी जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में लेकर के आए।